गोजरी का मनिया पड़ मनिया मजाया शायर चौधरी नज़ीर अहमद नज़ीर कालाकोट रजौरी का रहन आला था। उनको ताल्लुक गुजरा का खाना बदोश बकरवाल का स्वाती सरगेदी कबीला नाल थो। बाद में अपनो आबाई पेशो छोड़ गए पसनीक हो गया था। उनको जन्म कबीला का रवायती सफ़र के दौरान तुलेल गुरेज का इलाका बंदोश माँ 1933 में चौधरी शमसुद्दीन के घर हुओ। माँ बाप की एकली औलाद होने की वजह ते बचपन लाड प्यार माँ गुजारियो ते पंजवीं तक की तालीम भी हासिल की। खाने बदोश जिंदगी का सारा पहलू उन्होंने बड़ा नेड़े ते अखें देखा। जिनका छामला ते निकी सलाह गा जितिन उनका कलाम माँ भी नज़र आवे। नज़ीर अहमद नज़ीर जवानी माँ बाबा निज़ामुद्दीन लारवी साहब होरांगी इलमी ते अदबी मजलिसां ते मुस्तफीद होया। जित साई कादर बख्श खुदा बख्शजार इसराइल असर ते इकबाल अजीम जिया गोजरी शायर मौजूद होवें था। शायरी को रुझान शुरू ते थो। पहला पंजाबी माँ कुछ सियारफी भी लिखी ते फिर जदीद गोजरी की तहरीक नाल जुड़ के गोजरी लिखनी शुरू की। कल्चरल अकेडमी का अक्सर मुशायरा में शामिल होता रहे था। उनकी शायरी गुजर देश ते शिराजा गोजरी ते अलावा रेडियो ते भी नशर होती रही। बड़ी जानदार ते मियारी शायरी है। नज़ीर अहमद नज़ीर कालाकोटी औरा ने गोजरी में चंगी सोनी गज़ल ते संजीदा नज़म भी लिखी हैं, लेकिन गोजरी अदब में उनकी असल पहचान उनकी मज़ाया शायरी है। वे जदीद दौर का सब तो कामयाब मज़ाया शायर हैं। बल्कन सादा अल्फाज माँ गुजी गल कह एतबार नाल वे जदीद गोजरी का अकबर इला आबादी किया जा सकें। अपना मज़ाया कलाम नाल उन्होंने समाज में जुल्म व ज्यादती करन आला पर कोड़ो तर्ज भी कियो ते नाल ही ला इलमी ते समाजी बुराइयां ना जोड़ कढ़न वास्ते असरदार पैगाम भी दितो। उनकी इसला ते मज़ाया शायरी अवाम मा इतनी मकबूल होई जे लोग शहरें ग्राएं ते टोकें बहकें आप मारा उनकी शायरी को लुत्फ लेता रहें। भावें वे मज़ाया ते अवामी शायर समझा जाएं पर सियारफी की सूरत मा उनकी संजीदा शायरी किसे ते काटने। उनका कलाम का मजमू कल्चरल एकेडमी में शाया हुआ है, जिसकी तहकीक तलकीब ते तरतीब ते किताबत की जिम्मेवारी मशहूर गोजरी लिखाड़ी जनाब हसन परवाज ओरा ने खूब निभाई है। नज़ीर अहमद नज़ीर लम्मी बीमारी ते बाद 15 अगस्त 2003 ना इस दुनिया तो रुखसत हो गया, लेकिन गोजरी लिखन पढ़न ते जानन आला वास्ते मज़ाया शायरी को जड़ो तोहफो छोड़ गया है, उसमां सदियां तक जिंदा रहने की सलाहियत है।